डेली इंट्राडे कॉल्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा अ वेरी गुड इवनिंग गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनवेस सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 27 जुलाई 2020 इज कॉल्स व्हिच आई हैव गिवन टू यू इन YouTube इन टेलीग्राम चैनल एंड देन आई विल टेल यू अबाउट आवर कॉल्स फॉर पेड क्लाइंट्स सो and at the last i will give you 28 july 2020 stocks level which levels will perform better in tuesday so guys if you are new to this channel please subscribe our channel and press the bell icon for daily update in our description box you will find a link of our telegram channel you can join our telegram channel where i will give you extra two calls in morning and two calls in youtube we are talking about YouTube call. In YouTube, I give you Indigo to short sell at 946. 946 पे हमने आपको इसको short selling के लिए बोला था। आइए check कर लेते हैं हम इसको chart पे। Okay, so if you can see there, ये जो मैंने आपको यहाँ पे yellow color की line दी है, ये short selling price थी हमारी। यहाँ पे इसको short sell करना था। हालांकि ये काफी close ही open हुआ था short selling price के। Short selling price हमारी यहाँ पे थी और उसके बाद हमारा जो target था, यानी कि first target, second target, third target. तो ये कंटिन्यूअसली इसने एक ही डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अच्छे से आपको अचीव करके एंड देन इट गो डाउंस नियर लेवल अबाउट नाइन हंड्रेड थ्री और समथिंग लाइक इट्स लो वॉज नाइन हंड्रेड और समथिंग नाइन हंड्रेड वन सो We have given you first target price for your trialing your stop loss for trialing your stop loss क्योंकि हमने जो आपको पहला स्टॉप लॉस दिया था वो इसलिए दिया था ताकि आप अपना स्टॉप लॉस जो मैंने आपको कहा था पहले जो स्टॉप लॉस था इंडिगो में जैसा कि हम यहाँ पे चेक करेंगे स्टॉप लॉस जो मैंने आपको दिया था 947 का अब आप उसे सॉरी नाइन फोटी सेवन ये बाई साइड का स्टॉप लॉस था शॉर्ट सेलिंग साइड का जो मैंने स्टॉप लॉस दिया था नाइन फोर्टी नाइन का अब इसे ट्रायल करके आप फर्स्ट टारगेट प्राइस पे यानी कि नाइन फोर्टी सिक्स पे रख के आप इजीली अब देख सकते थे आप इसमें कंटिन्यू रह सकते थे जैसा मैंने कहा था वॉल्यूम बना रहेगा आप कंटिन्यू रहेंगे यू विल भी कंटिन्यूइंग इन द ट्रेड इफ वॉल्यूम इज हायर एंड सेलिंग प्रेशर इज़ हायर देन बाइंग प्रेशर सो इन दिस वी आर सींग

फाइव एट्टी पे मैंने आपको इसको शॉर्ट सेलिंग के लिए कहा था आपका स्टॉप लॉस था फाइव एट्टी थ्री एंड टारगेट इज फाइव सेवेंटी नाइन फाइव सेवेंटी सिक्स एंड फाइव सेवेंटी टू सो वी कैन चेक इन चार्ट इन चार्ट इज शोइंग दैट इट्स मेक इट्स लो अराउंड अराउंड फाइव सेवनटी एंड अवर थर्ड टारगेट प्राइज इज़ फाइव सेवेंटी टू काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस इसमें देखने को नहीं मिला हमें हमारा जो शॉर्ट सेलिंग प्राइस था वो यहाँ पे था उसके बाद इसने हमारा स्टॉप लॉस था अप्रोक्स अप्रोक्स यहाँ कहीं पे था 583 पे और हमारा जो टारगेट प्राइस था लास्ट वो था 572 का जो कि इसने इजीली अचीव कर लिया तो यही हमारी स्ट्रेटजी है आपके फर्स्ट टारगेट प्राइस जब अचीव हो जाए तो आप छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लें बिगनेस फर्स्ट टारगेट प्राइस पे बाहर आ जाए जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो क्या करें कि अपना स्टॉप लॉस फर्स्ट टारगेट प्राइस पर पुट करने के बाद ईजिली अपनी ट्रेड कंटिन्यू रख सकते हैं ताकि जो आपने थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न किया है वो आपसे डिटेक्ट ना हो अब बात कर लेते हैं हम टेलीग्राम चैनल की तो चलिए टेलीग्राम चैनल की तरफ हम बढ़ें सो हेयर वी गो वी आर टॉकिंग अबाउट आवर टेलीग्राम चैनल तो टेलीग्राम चैनल पर जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं मॉर्निंग में आपको कॉल्स दे दूंगा टू एक्स्ट्रा कॉल्स और मे बी वन कॉल बट दिस कॉल आर ऑफ आवर पेड क्लाइंट्स ये जो कॉल्स थी हमारी वो पेड क्लाइंट्स की कॉल थी तो चलिए इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो कॉल्स थी यानी कि इन बैंक और अडानी ट्रांस ने आज कैसा परफॉर्म किया स्टार्टिंग विद अडानी ट्रांस सो आई हैिवन यू टू शॉर्ट सेल इट अराउंड टू थर्टी टू वैन द लेवल ब्रेक्स ऑफ टू थर्टी टू यू हैव टू शॉर्ट सेलिंग इट टू थर्टी टू का जब लेवल ब्रेकआउट हुआ होगा तब आपने इसे शॉर्ट सेल किया होगा फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव होने के बाद आपने सेकंड टारगेट प्राइस की तरफ जब बढ़ रहा था तब आपने फर्स्ट टारगेट प्राइस पे अपना स्टॉप लॉस ट्रायल यानी कि अपना स्टॉप लॉस पुट कर दिया होगा उसके बाद देखिए ये स्टॉक जो है ज़्यादा से ज़्यादा लो गया है दो तक यानी कि टू का इसने अपना लो बनाया है टू नहीं अप्रॉक्स टू ट्वेंटी के अराउंड इसने अपना लो बनाया और हमारा जो टारगेट था वो 228 का था इसके बाद भी आप कंटिन्यू रहे होंगे तो आपका अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा बट देखिए जरूरी नहीं है जैसे कि आज प्रॉफिट हुआ है आपको काफी अच्छा इसने मूवमेंट दिया है तो ये कल भी ऐसी ही मूवमेंट दी है कभी मूवमेंट देता है हम रेगुलर बेसिस हर रेगुलर बेसिस पे जैसे इसकी मूवमेंट है उसके बेस पे हम इसे जज करेंगे तो अगली जो आप अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे आपको तो अडानी ट्रांस जैसा मैंने अभी आपको कहा था शॉर्ट सेलिंग के लिए कहा था और लास्ट टारगेट था हमारा टू का तो यहां देख लीजिए ये टू टू एट की जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है का है है लेवल इंडोसिड बैंक देखें हम अगर तो इंडोसिन बैंक, बैंक में आपको शॉर्ट सेलिंग के लिए कहा था यानी हंड्रेड नाइनटीन पे टारगेट था हमारा लास्ट फाइव वन टू का आइए इंडोसिड बैंक में आपको चेक चेक करा देता कराता इंडोसिन बैंक देखिए इंडोसिन बैंक यहाँ पे आपको शॉर्ट सेलिंग करना था यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का लेवल एक्टिवेट हुआ था उसके बाद देखिए इसने फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट इजिली अचीव कर दिया था बाय साइड की बात करो तो बैंक में आज हमारा बाय साइड का एसएल हिट हुआ था मैं हो हो चलिए मैं आपको अब एक क्विक एक रिव्यू दे देता हूँ अपने जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो भी हमारा प्लान सब्सक्राइब करते हैं हमारी वेबसाइट में जाके उनको क्या कॉल्स दी थी मैंने और उनका क्या रिजल्ट रहा वो मैं आपको बता देता हूँ तो मैंने आपको जो स्टॉक्स जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे दिखते रहेंगे आपको स्टॉक्स के जो भी लेवल्स हैं कि कौन से कौन से टारगेट अचीव हुए क्या क्या स्टॉक थे हमारे सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे अडानी ट्रेंड्स मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड किया था बाकी जो भी स्टॉक्स हैं इनको आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं आपको कैसे पता लगेगा कि जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कौन सा टारगेट अचीव हुआ है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट सेलिंग का तीनों टारगेट वाइज अचीव तो ये कैसे पता चलेंगे इसका मैं आपको बता देता हूँ देखिए जो बैंक जैसे मैंने अभी आपको बताया था बाय साइड का हमारा हमारे सेलिटवा था शॉर्ट सेलिंग साइड के तीनों टारगेट वाइज अचीव हुए थे और लास्ट हमारे आरती इंडस्ट्रीज जिसमें हमारे बाई साइड के तीनों टारगेट पैसे अचीव हुआ शॉर्ट सेलिंग साइड का एक टारगेट अचीव हुआ तो क्रॉस चेक की मैं बात कर रहा था कि इसे क्रॉस चेक कैसे करें सिंपली आप हमारी वेबसाइट जो है हमारी वेबसाइट फिनवेस्ट उस पर आप सर्च मार सकते हैं कैसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का उस पर क्लिक करके आप जब हमारी वेबसाइट खोलेंगे तो लॉग इन कर लीजिएगा पहले मैं तो अभी तक तो लॉगिन लॉगिन हूँ यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा लॉग इन कर लीजिएगा उसके बाद आपको अवर लेटेस्ट अपडेट आप अगर लॉग इन भी नहीं करेंगे तो भी आपको अवर लेटेस्ट अपडेट में आके आपको सारी कॉल्स दिख जाएगी कि किसकी क्या कॉल्स थे आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा जो मैंने टारगेट है अचीव वे और जो यहाँ पर मैंने टारगेट दिए हैं वो एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है बाकी मैं बात करूँ सब्सक्रिप्शन की आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं देखिए सब्सक्रिप्शन uh, लेना है आपको दोनों चीज़ें दो प्लान्स हमारे पास है फोर नाइन्टी नाइन सेवन नाइन्टी नाइन मंथली पैकेज है आप अगर जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कोई भी क्वेरी हो चाहे पेमेंट से रिलेटेड हो पेमेंट करने के बाद हो आप मुझे कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप प्लान से हट के अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन इंटरडे में कुछ भी है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए चलिए हम बढ़ते हैं अपनी ट्वेंटी जुलाई टू की कॉल्स की तरफ कि क्या कौन से स्टॉक्स होने वाले दो स्टॉक्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा और दो स्टॉक्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा सो so, मैंने आपके लिए कल के लिए जो पहला स्टॉक चुना है वो है गोदरेज एगारो अब इसको चूज करने का सबसे पहला रीजन हमेशा मेरा सेम ही रहता है कि एनएससी में जो प्राइस चल रही है इसकी अभी और जो इसमें चार्ट में क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है चार्ट के वो काफी हद तक सिमिलर है तो कल कम चांसेस है अगर ये गैप अप भी ओपन होता है या फिर गैप डाउन भी ओपन होता है तो ये अपना गैप रिफिल कर लेगा तो चलिए अब जो इसका बाई का लेवल बन रहा है वो बन रहा है हमारा फोर 56 का अभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक लेवल बनता है जिसको ब्रेकआउट होने के बाद जो स्टॉक है वो काफी अच्छा बूस्ट होता है तो यही चीज है इसका बाइंग का जो लेवल बन रहा है बोल रहा है 456 का तो 456.10 जब हो जाएगा तब आप इसे बाई करेंगे 456 पे एग्जैक्ट इसे बाई नहीं करना है लेवल ब्रेकआउट होने देना है शॉर्ट सेलिंग का जो लेवल बन रहा है वो बन रहा है 452 का स्टॉक चल रहा है 453 फिफ्टी थ्री पॉइंट समथिंग पे तो शॉर्ट सेलिंग का लेवल ज्यादा जल्दी आने वाला है इसका बट ये कंफर्म नहीं है कि कल ये फोर फिफ्टी पे ही खुले हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर खुल जाए बाइंग प्राइस के थोड़ा सा पहले खुल जाए बाइंग प्राइस पे खुल जाए <laughs> अगर बाइंग प्राइस पे खुलता है और आप एग्जैक्ट उस टाइमिंग पे अगर आप बाय कर सकते हैं आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है तो आप कर लीजिए लिमिट में नहीं मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ लिमिट में मत लगाइएगा क्योंकि लिमिट में ऐसा होगा कि बाइंग प्राइस से पहले आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है तो बाइंग प्राइस जैसे ही आने वाली होगी आप मार्केट में ऑर्डर लगा के इसे प्लेस कर लीजिएगा ठीक है लिमिट आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपका एग्जैक्ट वहीं पे वो बाय करके आपको देता है आपका ब्रोकर जो भी है तो वेल एंड गुड बट अगर उससे पहले बाय करता है तो आपको थोड़ा बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि लेवल ब्रेकआउट हुए बिना ही आप उसमें बाय कर चुके हैं तो पहली चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि जब लेवल ब्रेकआउट होगा शॉर्ट सेलिंग का तो लेवल ब्रेकआउट अब इसमें शॉर्ट सेलिंग के में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि लेवल कैसे ब्रेकआउट होगा शॉर्ट सेलिंग का शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट होगा फोर या फिर पॉइंट जब हो जाएगा तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे शॉर्ट सेलिंग का जो लेवल होगा वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा टारगेट क्या रहेंगे इसके मैं अभी आपको बता देता हूँ गोदरेज अगारो की मैं बात करूं तो इसका बाई साइड का जो मैंने अभी आपको कहा 456 का रहेगा तो स्टॉप लॉस रहेगा 453 का पहला टारगेट प्राइस देखिए अपने न्यू न्यूयर्स को मैं बता दूं पहला टारगेट प्राइस हमेशा छोटा रहेगा छोटा इसलिए रहेगा ताकि आप अपने स्टॉप लॉस को 53 से 57 सेवन में प्लेस कर पाए जब फिफ्टी से ये ऊपर चल जाए आपको लॉस ना हो बिल्कुल भी लॉस ना हो फर्स्ट टारगेट प्राइस पर अगर आप बिगनियर है तो फर्स्ट टारगेट प्राइस पे बाहर आ जाइएगा वरना आप अगर एक्सपीरियंस तो फर्स्ट टारगेट प्राइस पर अपना स्टॉप लॉस पुट करने के बाद अपने सेकंड और थर्ड टारगेट प्राइस का वेट कीजिएगा सेकंड थर्ड टारगेट प्राइस अचीव जाए और स्टॉक आपको लगता है और ऊपर जाएगा तो थर्ड टारगेट प्राइस पे स्टॉप प्लस प्लेस करके और आप वेट कर सकते हैं पर ध्यान रखिएगा अगर बाई साइड के लें बाइंग का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए निफ्टी फिफ्टी पॉजिटिव बैंक निफ्टी पॉजिटिव सेंसेक्स भी पॉजिटिव चल रहा है तो वेल एंड गुड बट इतना रोल जितना निफ्टी और बैंक निफ्टी और बायर्स का है उतना सेंसेक्स का नहीं पड़ पाता है कुछ ना कुछ रोल है बट इतना नहीं है बात करूँ मैं शॉर्ट सेलिंग की शॉर्ट सेलिंग के लिए देखिए फोर फिफ्टी टू का जब लेवल ब्रेकआउट होगा शॉर्ट सेल करेंगे फोर का स्टॉप लॉस रखेंगे टारगेट पास रखेंगे फर्स्ट टारगेट पास फोर एज यूजल छोटा फिर उसके बाद फोर और फोर का फोर फोर्टी पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे बिग्नियर्स जो है फोर पे या फिर फोर पे बाहर आ जाएंगे ट्रेड में ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे क्योंकि आपको अंदाजा नहीं होगा कब ट्रेंड पलट जाए एक्सपीरियंस ट्रेडर को पता चल जाता है क्योंकि इतना टाइम वो मार्केट में बिता चुके होते हैं कि उनको पता रहता है कि कब ट्रेंड पलट जाएगा उनको पहले इंडिकेटर्स कुछ मिल जाते हैं ट्रेंड पर लटने के तो वो बने रख सकते हैं के लिए मेरी सलाह यही है कि फर्स्ट एगेडवाइस पर बाहर आ जाए और अगर पहली बार में आपका स्टॉप लॉस सीट होता है तो दूसरी बार आप वो उस साइड की कॉल ले सकते हैं मान लीजिए बाईस आपने कल गलधूरा और बाई किया बाय का स्टॉप लॉस सीट हुआ तो दोबारा से अगर लेवल ब्रेकआउट होता है फाइव फिफ्टी का तब तो आप उसे बाय कर सकते हैं बट अगर लेवल ब्रेकआउट नहीं हुआ मान लीजिए बाय का टारगेट प्राइस अचीव हो गया और उसके बाद दोबारा से लेवल ब्रेकआउट हुआ तो आप उसमें उस समय पे कॉल नहीं लेंगे उसके बाद आप शॉर्ट सेलिंग की तरफ इंपोर्जो करेंगे यानी पहले टारगेट प्राइस अचीव होने के बाद दूसरी बार आप उस कॉल को नहीं लेंगे दूसरी तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर स्टॉक गैप अप ओपन होता है तो वेट करेंगे टेन एम के अंदर अंदर उस गैप को फिल होने का गैप फिल कैसे होगा आपका जैसे मान लीजिए आपको मैंने जैसे बाइंग प्राइस दी है फोर फिफ्टी सिक्स की और शॉर्ट सेलिंग प्राइस दी है फोर फिफ्टी टू की आपका बाइंग प्राइस है लगभग लगभग फोर फिफ्टी एट पे मान लीजिए आपको फोर फिफ्टी एट पर स्टॉक खुला है तो फोर फिफ्टी एट पर जब खुला है तो आप बाय और शॉर्ट सेल कुछ नहीं कर सकते आप वेट करेंगे टेन ई एम के अंदर अंदर वो फोर फिफ्टी एट से फोर फिफ्टी सिक्स से लेकर फोर फिफ्टी टू के बीच में कहीं पर आ जाए कहीं पर आने के बाद वो हल्का सा रजिस्ट ले एक मिनट का ले या कुछ सेकेंड का ले बट कुछ रजिस्ट ले यानी कि सपोर्ट ले एक जगह पर तब अब मान लीजिए कोई गैप है ओपन हुआ है उसके बाद ये फोर फिफ्टी एट से आया फोर फिफ्टी सेवन पर और उसके बाद वो नीचे हल्का सा उसने फोर फिफ्टी सिक्स का लेवल ब्रेकआउट कर दिया दोबारा से और नीचे आ गया ये क्यों आया क्योंकि डाउन ट्रेंड में वो आ रहा था ऐसे में आप उसे बाय नहीं करेंगे बाय तभी करेंगे जब वो हल्का सा सपोर्ट लेगा फोर फिफ्टी सिक्स और फोर फिफ्टी टू के बीच में आधा सेकंड का लेगा थर्टी सेकंड का, का बट सपोर्ट लेगा तब आप उसे बाय कर सकते हैं या शॉर्ट सेल कर सकते हैं वही गैप डाउन ओपन होने पर शॉर्ट सेल तभी करेंगे जब सपोर्ट लेगा और गैप अप ओपन होने पर बाय तभी करेंगे जब बीच में कहीं पर सपोर्ट लेगा बाकी अगर गैप अप ओपन होता है तो शॉर्ट सेल आराम से कर सकते हैं और गैप डाउन ओपन होता है तो बाई साइड के लिए जब बढ़ रहा होगा तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं टारगेट मैंने आपको बताया दिया अगला स्टॉक है, so, है वो है अपोलो हॉस्पिटल का 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 इसका बाय साइड लेवल लेवल बन रहा है शॉर्ट सेलिंग का लेवल अभी मेरे को कहीं भी इसमें नजर नहीं आ रहा है कि कोई बन रहा है इन केस अगर बनता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर एक्स्ट्रा टू या दो या तीन कॉल जितने भी होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर हो जाएगा तो बाई साइड का जो लेवल इसका बन रहा है वो बन रहा है वन फाइव वन थ्री का इसका जो चार्ट में क्लोजिंग चल रही है वो वन फाइव वन वन पर चल रही है और जो एन में क्लोजिंग बता रहा है ये अप्रोक्स अप्रॉक्स वन फाइव जीरो एट की बता रहा है हालांकि इसमें तीन पॉइंट का डिफरेंस है बट ये स्टॉक इतना बड़ा है कि मतलब इस रेंज का है कि इसमें इतने पॉइंट का मैटर नहीं करता है ये चीज़ क्या होगी ये कवर हो जाएगी कल जब स्टॉक ओपन होगा तो मेरे को ये बेटर लगा कि मैं आपको अपोलो आप हॉस्पिटल दूँ तो बाई साइड का लेवल हो सकता है कि बाई साइड का लेवल ना ब्रेकआउट हो स्टॉक पूरा नीचे चल जाए कुछ भी हो सकता है ये मार्केट है बट अगर फ, वन फाइव थ्री वन थ्री का लेवल ब्रेकआउट होता है तो आपको कैसे कैसे टारगेट आपको अचीव करके प्रॉफिट हो सकता है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया बाई साइड का लेवल होगा 1513 रहेगा स्टॉप वन फाइव जीरो एट का टारगेट प्राइस रहेगा वन फाइव वन सिक्स का पहला टारगेट प्राइस छोटा रहेगा एज यूजवल वन फाइव वन टू वन फाइव टू फाइव का रहेगा सेकंड टारगेट प्राइस और वन फाइव फोर जीरो का रहेगा थर्ड टारगेट प्राइस तो शॉर्ट सेलिंग का जो भी लेवल इसका बनता है अगर इसमें बनता है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके टेलीग्राम हमारे टेलीग्राम चैनल पे और एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको जब आप ये कॉल ट्राई करूँगे तो देखिए एक्ट एकदम से आप शेयर ज़्यादा मत लगाइए कम शेयर्स लगाइए मैं तो बोलूँगा आप पहले पेपर ट्रेड कीजिए शेयर मेरे स्टॉक्स जो, जो भी हैं जिनपे स्टॉक्स मैं एक्चुअली जो स्टॉक्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उन पर मैं खुद ट्रेड करता हूँ तो ये जो लेवल्स हैं ये मैंने खुद के लिए निकाले और आपको भी मैं बता रहा हूँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आपको अगर आप मेरे लेवल्स पर ट्रेड करना चाहते हैं तो पहले आप पेपर ट्रेड कर लीजिएगा किसी भी एक्सपर्ट की आप एडवाइस ले लीजिएगा जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है मैं नहीं बोलता हूँ कि ये चीज आप बाय कीजिए पर आप देखेगा जरूर बहुत जरूर कीजिएगा कि जैसा मैंने कहा है कि लेवल ब्रेकआउट होगा तब ये टारगेट अचीव होंगे वो चीज होती है कि नहीं तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही आज उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी आपको कितना प्रॉफिट हुआ आप डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट सेक्शन में आके हमें बता सकते हैं कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ज़्यादा कुछ ज़्यादा क्वेरीज़ हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं तो आ, अगर आप इस चैनल पर नहीं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को तो दबाना तो मत भूलिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद